वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तुर्की में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की में फिर से 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है। तुर्की में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी सुबह भी तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिससे बड़ा नुकसान होने की वहां पर खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, इससे पहले ही वो तस्वीर सामने आई जब तुर्की में पूरी तरीके से तबाही का मंजर हर ओर नजर आया। अब एक बार फिर से खबर मिल रही है कि भूकंप के झटके तुर्की में एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। 7.8 तीव्रता का भूकंप तुर्की में आया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, खौफजदा करने वाली खबर है। समझिए इस लहजे से कि अगर पिछले 24 से 25 सालों का सिर्फ तुर्की का जिक्र किया जाए तो 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 सालों का ये आंकड़ा, यानी कि तुर्की के इतिहास में आप देखेंगे तो बड़े बड़े भूकंप ने तुर्की को लहूलुहान किया है, तुर्की को गहरे जख्म दिए हैं। और एक बार फिर से देखिए किस तरह से तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी 5,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बेहद दर्दनाक, खौफजदा करने वाली तस्वीरें इस वक्त तुर्की की जमीन से सामने आ रही है। और एक बार फिर से 7.8, आप समझिए ये वो झटका होता है जिसके लिए धरती का सहना और धरती के ऊपर जो बनी बनी बड़ी इमारतें होती हैं उनका सहना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और 912 लोगों की मौत का भी यहां पर दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से पूरा तुर्की अब मलबे में तब्दील होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से भूकंप ये आया और एक बार फिर से भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। अब लोग जो है वो दहले सहमे हुए हैं। ऐसे में लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी वहां पर पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही दुख जता चुके हैं, जिस तरीके से भारी नुकसान तुर्की इस वक्त देख रहा है। ना केवल तुर्की बल्कि इसकी आंच सीरिया तक भी पहुंची। उसके अलावा 9 ऐसे देश थे जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 7.8 की तीव्रता बताई जा रही है। और साथ साथ आप देखिए तस्वीरें लगातार वहां से जो सामने आ रही हैं, सब कुछ तितर बितर पड़ा हुआ। रेस्क्यू टीम सब भी लगातार बचाव काम कर रही है क्योंकि कई लोग इन मलबों के नीचे अब भी वहां पर दबे हुए हैं। 5,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताएं, महायुद्ध में अब इजराइल के हथियारों की एंट्री हो सकती है, ये माना जा रहा है। जेलेंस्की की पुरानी डिमांड यानी कि पूरी यहां पर की जा सकती है। और यूक्रेन को मिल सकता है इजराइल का अचूक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जाता है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा दिया है कि उनकी सरकार यूक्रेन को हथियारों की मदद पर विचार इस वक्त कर रही है। और इससे पहले अमेरिका ने भी इजराइल में रखे अमेरिका के हथियारों की सप्लाई करने के लिए कहा था, लेकिन तब इजराइल के विदेश मंत्री ने इनकार कर दिया। लेकिन अब जेलेंस्की की फौलादी डिमांड पूरी होती हुई। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।